उज्जैन के कंचनपुरा क्षेत्र में बच्चों के विवाद में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जहां परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग जख्मी हुए हैं, दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ प्राणघातक हमले और दूसरे पक्ष पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। फिर ये विवाद जिसने करवाया ना, ये आशीष और ये रामू ने आके वहाँ गाली गलौज कर रहे, गंदी गंदी गाली दे रहे, और फिर इन लोग, मैंने बोला जिससे लड़ाई हुई है वो तो वहाँ चला गया, तुम यहाँ गाली दे रहे होगे, वो पकड़ के इन लोगों ने मेरे को घेर के एक साइड मारा, और मेरे पर, मेरा आदमी घर में खाना खा रहा था और ये खाना छोड़ के मेरे को बचाने आए तो इसको भी तलवार से मारा, और है ना मेरे को ईंट भाटे से मारा इन लोगों ने। जो थाना माधवनगर में 2 FIR हुई है, जिसमें से एक के ऊपर 307 की कार्रवाई की गई है, दूसरे में अभी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है, और दोनों ही तरफ से कुछ लोग जो जिनको चोटें हैं उनको जिला अस्पताल जो उज्जैन है उसमें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, और इसमें अपराध दर्ज करके विवेचना किया गया है।